इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षाओं को लेकर टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। इसे लेकर छात्र संगठन लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। बुधवार को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पर बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता पहुंचे और ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग की। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना था कि यदि परीक्षा के दौरान कोई भी छात्र संक्रमित होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हालांकि इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता खुद कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। हालांकि एनएसयूआई के इस प्रदर्शन को कुलपति ने भी गलत ठहराया और कहा कि छात्रों का इस तरह से एकत्रित होना गलत है। कोविड के केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं इंदौर शहर में भी, पूरे देश के साथ साथ। उसी को लेकर के छात्रों की जो परीक्षाएं यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाई जा रही हैं ऑफलाइन मोड पर, उसी का विरोध करने के लिए आज हम यहां आए थे। हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम या तो ओपन बुक करवाई जाए या तो ऑनलाइन करवाई जाए। इन दोनों मांगों को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। जब एक कमरे के अंदर ये 50-50 लोगों को, 100-100 लोगों को बंद कमरे के अंदर एग्ज़ाम दिलवाएंगे तो वो कितना ठीक है। उसके मुकाबले हम तो आज इतने लोग जो छात्र हैं वो कोई वाजिब मांग करने आए हैं, एक दिन आए, ये रोज़ 5 पेपर 10 पेपर प्रतिदिन हर 2 दिन छोड़ करके यहाँ बिठाएंगे तो क्या हालात होंगे, इनको ये समझना चाहिए। वो लाए थे और आज अभी मैं अभी कह रही थी, हमारे साथ CSP साहब आए हुए हैं तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी पुलिस की, तो बहुत मतलब क्या उनसे ज्ञापन भी लिया, बड़ी सूझबूझ के साथ, कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि उनकी भीड़ बहुत थी तो बच्चे जैसे हमसे कह रहे थे स्टूडेंट्स कि आप इस परीक्षा में कोई हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। हमने कहा आज जो आप इतना कोरोना फैला रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो बोले आपको बच्चों की जान की कीमत नहीं है, एक कमरे में बैठाएंगे। तो हमने कहा हम कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए बैठाएंगे। पर जहाँ तक उनके ज्ञापन का सवाल है जो कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए है, ऑनलाइन नहीं मतलब ओपन बुक परीक्षा के लिए, तो जनरली इसमें मेरा ऐसा मानना है कि वही स्टूडेंट्स आते हैं जो साल भर पढ़ाई नहीं करते, फिर भी उनकी एक तरह से लगता है कि अब ये तो एक महामारी थी, किसी के हाथ में नहीं था। पर अगर अब ऐसा है तो उन्होंने जो ज्ञापन दिया हम उसको फॉरवर्ड तो कर देंगे, पर जैसा वो कह रहे थे आप अपनी तरफ से कुछ कमेंट्स लिखिए, हमने कहा हम तो इसके पर अपना कमेंट्स कुछ नहीं लिखेंगे। NSUI ने अपने कुछ मांगों को लेकर के आज यूनिवर्सिटी प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया है, इसमें हम देखेंगे कि उन्होंने अगर गाइडलाइन का उल्लंघन किया होगा तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर किस तरह की कार्रवाई होगी? प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने के खिलाफ कार्रवाई करें, उल्लंघन करने के लिए। सर एक दिन पहले भी यहां पर आज का मैं बता सकता हूं।